काका बस एक साइन और फिर तुम्हारे मजे मजे। कृष्णा के पैसे पे कब तक मोहताज होगे आप? अपने पैसों पे ऐश करो ना जितनी करनी है। कृष्णा पैसे कम देती है और ताने ज्यादा मारती है आपको। एक सिग्नेचर। घर के अपने हिस्से का 50% 20% के भाव में अपने भतीजे शैलेश और आकाश को बेच रहा हूँ। ये क्या करने जा रहे थे पप्पा? मेरे बारे में नहीं, कम से कम मोहन के भविष्य के बारे में तो सोच लेते। आपका बेटा है वो। बेटा? बेटे के नाम पे धब्बा है वो धब्बा, एक नंबर का पिसड्डी। उसकी वजह से सिर्फ बेइज्जती होती है मेरी। पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने जो तुम्हारी माँ तुम दोनों का बोझ मेरे ऊपर डालकर चली गई। कृष्णा जी, काका को कोई एतराज नहीं ना, तो बीच में मत पड़। और वैसे भी ना हम बहुत बड़े बिल्डर को बेचने जा रहे हैं। वो विदेशी मेहमानों के लिए 5-स्टार होटल बनाने वाला है। तुझे जितने पैसे चाहिए तुझे मिल जाएंगे, ये डील होने दे बस। हम कहाँ रहेंगे? उस होटल में? छोटा भाई, माँ बाप के साये जैसा होता है घर। हर सुख दुख में आपको अपने में समेट के रखता है ये घर। मैं ये साया अपने मोहन के सर से हटने नहीं दूंगी। उसके भविष्य के लिए है ये घर, और मेरे रहते ये घर कभी नहीं बिकेगा। कहाँ है वो खरीदार? बुलाया सर, ना बात करूंगी उससे। मैं हूं वो खरीदार, और क्या ड्रामा चल रहा है यहां पे? सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। तुम तो वो आर्यमन की वेडिंग प्लानर की टीम में हो ना? सर, हमें अपना घर नहीं बेचना। पर तुम्हारे बाप से मेरी डील हो गई है, और एक बार जो मैं डील कर लेता हूँ तो फिर मैं उसे तोड़ता नहीं। पापा को कागज पत्र के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। अब ये घर मेरे और मेरे भाई का है, और हम इसे बेचना नहीं चाहते सर। आप तो वैसे भी बहुत बड़े आदमी हो, आपको इससे भी बेहतर घर मिल जाएगा। और मैं करूँगी ना आपकी मदद, मैं पूरा द्वारका जानती हूँ। मैं आपको इससे भी बेहतर प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी। पर ये घर नहीं सर, प्लीज। ठीक है, एक शर्त पे ये डील हो सकती है। आप जो बोलोगे करूंगी। मेरी पुश्तैनी हवेली में मेरा रूम बताना तुम्हें। शाम को रूम में आ जाना। तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मंजूर है? हिम्मत देखनी है। हिम्मत देखनी है तो दोबारा वो बोलो जो पहले बोला था। अगर जुबान नहीं काट ली ना तो मेरा नाम भी कृष्णा नहीं। क्या समझ कर रखा है एक औरत की इज्जत को? खुद को खुश करने के लिए है? दोबारा किसी औरत पर बुरी नजर डालने से पहले ना इस थप्पड़ को अच्छे से याद कर लेना। मेरी इज्जत नहीं कि कम से कम अपने परिवार वालों की तो इज्जत रख लेते। बहू बेटियों वाला घर है तुम्हारा, अगर तुम्हारे परिवार वालों के साथ किसी ने ऐसा बर्ताव किया होता तो तुम क्या करते?
पास नीचे। ये उठाने का अधिकार तुमने पहले खो दिया है। एक तुम्हारा भाई लड़कियों की इतनी इज्जत करता है, अरे तुम, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नजरें इतनी गंदी। निकलो यहाँ से, वरना तुमने जैसे इज्जत नहीं रखी ना, वैसे मैं भी लिहाज नहीं रखूंगी। निकल यहाँ से। अरे क्या, लेट्स गो, मुझे लेट हो रहा है। कम ऑन, कम। तो देख रही है ना माँ, अगर ये घर बिक गया तो मैं मोहन को लेके कहाँ जाऊंगी, कैसे उसका भविष्य बनाऊंगी। मुझे डर लग रहा है माँ कि कहीं मैं हार ना जाऊं। पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ पर अपनों से तो नहीं लड़ सकती ना। हेलो। अरे कहाँ भाग गई तू बिना बताए? भजन संध्या का प्रोग्राम है कल, सारी तैयारियां बाकी पड़ी हैं। अगर ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से गया ना तो समझ ले पैसे नहीं दूंगा तुझे, मैं बोल देता हूँ। सब जैसे सोचा था वैसे ही होगा कल। सोचा तो और भी बहुत कुछ है, पर तू उस बारे में बात कहाँ करती है मेरी मोरनी। इतना प्यार लुटाता हूँ तुझ पे, तू भी कभी कुछ बोल दे। ठीक है, सच सुनना है ना, मोहन को मेरी जरूरत थी इसलिए काम छोड़कर आ गई। ये तू बार बार मोहन का नाम क्या जपती रहती है? उनका एग्जाम खत्म हो गया होगा, उसे लेने भी तो जाना है। कृष्णा, आज तूने हद पार कर दी। मैं आज ही तेरी और पिंकी जी की शादी की तारीख पे मोहर लगा के आता हूँ। मुझे नहीं करनी उस पिंकी से शादी। बहुत जवान चलने लगी है, देखता हूँ कैसे नहीं करेगी शादी, देखता हूँ। बस करिए काका, ये बेचारी दिन रात आपके लिए जान जलाती रहती है, थोड़ी तो कदर, थोड़ी तो चिंता करिए इसकी। चिंता इसको है मेरी चिंता, एक दसवीं पास लड़की के लिए कोई राजकुमार आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही लोग आएंगे घर में और गंदी गंदी बातों के ताने देंगे। अरे बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार है पिंकेश जी? शादी के लिए और क्या चाहिए? शादी के लिए प्यार चाहिए होता है पप्पा, खरीदार नहीं। अरे तुम्हें चिंता नहीं करो, जब मेरी शादी ही नहीं होगी तो दहेज भी नहीं देना पड़ेगा ना आपको। और वैसे भी शादी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, मोहन को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। उस फिसड्डी को लेने के लिए जा रही है ना तू? क्या? और वहीं से उसको लेके कहीं और चली जा, ताकि तुम दोनों मनहूसों से मेरा पीछा छूटे। इस थप्पड़ का बदला मैं तुझसे लेके रहूंगा कृष्णा। आज जो तूने मेरे साथ किया है ना, ये बहुत भारी पड़ेगा तुझे। आज तूने एग्जाम अच्छे से दिया ना, इसलिए स्कूल से सीधा तेरे मनपसंद चाट की दुकान पर लेके आई। ये ले तेरे लिए, एकदम तीखी, एक्स्ट्रा चटनी डाल के करारे मसालेदार चाट। अच्छा तो ये है वो कृष्णा का भाई जिसके लिए उसने वो घर नहीं बेचने दिया? एक मिनट आती हूँ, रुक।
मेरी बेटी को क्यों घूर रहा है? तू क्या खींच के ले? सूते हो मोटा भाई, क्या हुआ? मेरी लड़की को घूर रहा था। नहीं 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 मोटा भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं जानती हूँ अपने भाई को, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ना उसकी तरफ से अपने भाई को समझा दो। तू रो क्यों रहा है? तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ तूने गलत इरादे से नहीं देखा। पर मैं लड़की को देख ही नहीं रहा था। लड़की को नहीं देख रहा था तो क्या देख रहा था? चूड़ियों को। चूड़ियों को? तो चूड़ियों को क्यों देख रहा था? यहाँ पे कुछ भी मत बोल। अगर तू ये कह रहा था ना कि तू लड़कियों को देख रहा था तो भी लोग मानेंगे, लेकिन अगर तूने ये बोला ना कि तू चूड़ियों को देख रहा था तो कोई नहीं मानने वाला। कुछ भी मत बोल। अच्छा सुन, वो पिंकी अंकल ने फोन किया था, उन्होंने कहा कि इस मार्केट में ना एक आदमी से पैसे लेना है, तो तू तब तक ना ये चाट खत्म कर ले, मैं बस अभी आई। ठीक है? एक बात बता, ये चूड़िया तो खुद के लिए देख रहा था या अपनी बहन के लिए? आपसे मतलब? और आप कृष्णा दीदी को जानते हो? हाँ, हमारे लिए काम करती हो। ये ले। देखो सुनो, तुम मेरे भाई से दूर रहो और मेरे परिवार से भी। पर दीदी ये सिर्फ तुझे चूड़ियां देने आए थे। क्यों बहन लगती हूँ मैं तुम्हारी? आईना मेरे भाई के सामने दिख भी गया ना तो मैं जाके तुम्हारे भाई से शिकायत कर दूंगी। अरे सीखो कुछ उनसे, बड़े भाई भगवान के रूप है और तुम राक्षस। चल घर छोड़ दो। जी हाँ ठीक है, आप पेपर रेडी करवाइए। जी शादी का घर है पर इसका काम खत्म ही नहीं होता है। कुंदन क्या कर रहे हो बेटा? मासी से बात कर रहा था, आर्यमन के नाम पे कुछ शेयर्स खरीद रहा हूँ। थैंक यू भाई साहब, आपने आर्यमन का ख्याल हमेशा अपने बेटे की तरह रखा है। बेटे की तरह नहीं बल्कि बेटे से भी ज्यादा ख्याल रखा है इन्होंने। इतना प्यार लुटा दिया आर्यमन पे कि अपने सगे बेटे को देने के लिए इनके पास जरा सा भी प्यार नहीं बचा है। अरे कैसी बातें कर रही तू श्रीजला, तुझे याद है ना भरत और कुंदन बचपन के दोस्त थे, दोनों ने बिजनेस साथ में शुरू किया था। ऐसा प्यार देखा है कहीं तूने? अरे तूने देखा होगा एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन है, लेकिन ये दोनों हमेशा एक साथ एक फैमिली बन के रहे हैं। भूल गए क्या तू? भूलने की तो बहुत कोशिश करती हूँ मम्मी जी, पर ये भूलने कहाँ देते। पर आप सब लोग ये बात क्यों याद नहीं रखते कि भरत भाई साहब 16 साल पहले इनके ऊपर इतना भारी कर्जा छोड़ के इस घर से भाग गए थे। आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि कितनी मुश्किल से उनका सारा कर्ज इन्होंने चुकाया है। मैंने अकेले ने नहीं, आर्यमन ने मेरा साथ दिया शुजला, भूल गई तुम? जिंदगी जीने की उम्र में अपने सपनों को छोड़कर उस लड़के ने दिन रात मेहनत की इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। आज हमारा बिजनेस जिस भी मकाम पर है ना आर्यमन की वजह से है। और अपने जिस बेटे के लिए तुम इतना तमाशा कर रही हो ना, कहाँ है वो? हाँ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मुझे क्या पता, छोटा बच्चा है क्या सिद्धार्थ जो मैं हर वक्त उसकी उंगली पकड़ के घूमती रहूं दिन भर? एग्जैक्टली यही बात कहना चाहता हूँ मैं कि छोटा बच्चा नहीं है वो जो इधर उधर घूम रहा है। एक छोटा सा काम दिया था मैंने उसे, वो तो उससे हुआ नहीं अभी तक। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? हाँ है ना प्रॉब्लम, हमारे छोटे नवाब साहब
उसे एक काम दिया था, बैलेंस शीट टैली करने के लिए दिया था, लेकिन अभी तक उससे काम हुआ नहीं। कोई बात नहीं अंकल, मैं काम पूरा कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक मौका नहीं छोड़ता इनकी नजर में हीरो बनने का। तुम क्यों? अरे जीत, आप क्यों करेंगे काम? सिर्फ ब्रो का काम है, वो कर लेंगे। आप आज हमारे साथ मेला चल रहे हैं, बस। मेला? कौन सा मेला? अरे भाई, हमें किसी ने बताया यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है, तो हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। आप भी चलो ना। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, मुझे वैसे भी यहाँ पे काम है, वो खत्म कर लूंगा, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ काम इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मेले में जाओ, जिसका काम है वही करेगा। और तुमने तो कहा था सिद्ध पे जिम्मेदारी डालेंगे तो वो समझेगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया है ये काम तो सिद्ध ही करेगा। उसके कंधों पर जिम्मेदारी डालेंगे तो हो सकता है जनाब साहब सुधर जाए थोड़े से। तुम जाओ एंजॉय करो बेटा। Are you sure? Come on, जीत, बोरिंग अंकल मत बनो, लाइफ कभी कभी फन भी जरूरी होता है। चलो अब मैं ईश्वर मेघना को लेकर आता हूँ। किधर आ जाओ, कुछ पसंद कर लेना। हमारे साथ नहीं चलना चाहती है चौके, पर यहाँ से कहीं दूर मत जाना। ओके? क्यों? आपको डर लग रहा है कि अगर आपने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया तो मैं यहाँ भी किसी लड़के के साथ ना भाग जाऊँ? तो हर वक्त मुझे इतना गलत क्यों समझती है मेघना? बड़ा भाई हूँ मित्र, अगर गलती करेगी तो सुनाऊंगा ना मैं। गलती मैंने सिर्फ एक बार की थी भाई, अब उस एक गलती की वजह से मुझे पूरी लाइफ टाइम सजा मत दीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपके पानी दुपट्टे डाल में। मेघना, पर पानीपुरी खाने में तो इंटरेस्ट है। चलो हम सब ना पानी पूरी खाने चलते हैं। और भाई मैं तो उसके बाद गर्मा गर्म जलेबियां भी खाऊंगा। केतन तुम भी आ जाओ। चलिए ना जीत साहब आइए। अरे मोटा भाई, आपका बचा हुआ पैसा तो लेकर जाइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। पर इतनी भागा दौड़ी के बाद यहाँ पे आकर जलेबियां बेच रही है। जीत, मुझे पानी पूरी नहीं खानी, मुझे जलेबी खानी। ये हमारी वेडिंग प्लानर है कृष्णा। वाओ, ये जलेबी भी बनाती है। हाय कृष्णा। अरे आप लोग यहाँ, तुम जलेबियाँ भी बेचती हो? बेचती नहीं, अपनी जलेबी से लोगों की जिंदगी में मिठास घोलती हूँ। वो क्या है ना, ऐसे मेलों में स्टॉल लगाने से थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाती है, तो इसीलिए। जय श्री कृष्ण। बना के देखू? या बहुत डेंजरस है, तेल बहुत गर्म होता है। और वैसे भी कृष्णा अपना काम कर रही है, तो काम करते वक्त किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं जी, मुझे ही करना है बस। या जिद मत कर। कोई बात नहीं, करने दीजिए ना, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। थोड़ा नीचे से बस। I'm so sorry. कोई बात नहीं, वजह से तुम्हारा हाथ छुल गया। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस या ऑइंटमेंट ले आना कार में से, मैं पानी ले आ रहा हूँ। अपना हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। कौन? ये पकड़। हाँ।
सिट ब्रो। ब्रो, मेरा ना दम घुट रहा है स्टैक की जगह में, और ये पिया इतनी ओवर एक्साइटेड हो रही है बेफालतू में। अच्छा छोड़ो, आप रात को पार्टी का प्लान कर रहे हो ना, प्लीज मुझे भी इनवाइट करना प्लीज। ऑफ कोर्स यार, रुक रुक रुक, बैक अंदर पीछे। ये क्या चल रहा है बॉस? क्या कर रहे हो माँ? तुम भाई बहन का फ्यूचर बचा रही हो। बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ। वैसे भी राजू जी को अपने से ज्यादा नौकरों की फिक्र रहती है। चलो एक प्रॉब्लम तो खत्म हुई, अब गया आर्यमन अनन्या की लाइफ से आउट। नहीं समझा? अरे ये वीडियो दिखाकर हम अनन्या को आर्यमन के खिलाफ कर सकते हैं ना। सिर्फ इस वीडियो से? यस माय सिटी बॉय, तुम्हें शक की ताकत का नहीं पता। ये दीमक की तरह होती है, एक बार किसी रिश्ते को लग जाए ना तो उसे खोखला करके खत्म कर देती है। बस अब अनन्या आर्यमन से शादी के ख्वाब छोड़कर अपनी लाइफ अमेरिका में बनाएगी। मोहन, तुझे मोहन बुलाऊं या मोनिया? इसकी चाल से तो मोहनिया ही सही रहेगा। अरे चाल तो ठीक है, पर इसकी ये नाजुक कलाई तो देख, इसे ना चूड़ियां पहना देनी चाहिए।